चलिए बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट। अमेरिका नौगर मशीन रुकी, 1.8 मीटर पाइप पुश करने के बाद रुकावट, तो मशीन रोक कर किया जा रहा है परीक्षण। टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस और डॉक्टर मौजूद हैं। चेन्नई सौड़ अस्पताल में मजदूरों के लिए 41 बेड तैयार हैं। तो अगर मशीन एक बार फिर से रुक गई है, आपको बता दें 47 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका था, उसके बाद तकरीबन 1.8 मीटर पाइप को और पुश किया गया और उसके बाद फिर से रुकावट आ गई। टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस और डॉक्टर मौजूद हैं और 41 बेड की व्यवस्था भी की गई। हमारी उम्मीद और हौसला बिल्कुल बुलंद है। हम चाहते हैं कि तेजी से अपना काम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें यह भी पता है कि मलबे के अंदर कहां कोई स्टील का गर्डर हो, कोई पत्थर बड़ा सा आ जाए, इस टाइप के कोई रिब आ गया तो उसका भी चांसेस रहता है। तो 44-45 मीटर के करीब जब हम पहुंचे थे तो उस वक्त ये एक ये आया था जो बड़े डिटेल में डॉक्टर नीरज ने आप लोग के सामने रखी है। तो बड़े मैं ये कहूँगा कि बहुत ही हिम्मत दिखाकर हमारी टीम ने ऑगर मशीन तो निकाला था, उसके बाद जो लोग अंदर गए NDRF की टीम वगैरह थी, सपोर्ट किए और वो दो नाम जो उन्होंने बोला, प्रवीण और बलविंदर, उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज़्यादा अड़चन कोई ना आए, लेकिन अड़चने आ सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। चल रहा है काम चल रहा है, काम इज कॉन्स्टेंटली गोइंग। अभी वो जो आप कहते हैं ना, वो हर्डल, वो बाधा क्रॉस कर ली गई है। तो अगर वैसी बाधा और आएंगी, वैसी अगर हर्डल्स और आएंगी, मान लीजिए और भी मिलते हैं, तो अब हमारे को उसका रास्ता मिल गया है। जो कल हो सकता है हमारे को पूरी प्रोसेस करने में इतना 12-14 घंटे लगे हैं, अब वो चीज़ हम सेम इतना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उसको कैसे करना है। कल क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल नई चीज़ आई थी, उसके अंदर अलग अलग मेथोडोलॉजी करके देखी गई, और जो एक टीम है इसके लिए भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि देखिए पूरी हमारे पास हर जो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सबका सहयोग मिल रहा है। कल जिन लोगों की जरूरत थी उनको दिल्ली से लाने के लिए रात को BR और एयर फोर्स की टीम ने भी रात को हमारे को हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, सिर्फ इसलिए कि जो बंदे उसके एक्सपर्ट थे उनको रात को 12 बजे वहां से पिक करने के लिए भी टीम तैयार हो गई थी और वो बंदे सुबह यहां पहुंचे। तो उन इसलिए हम बता रहे हैं कि सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा सर ने बताया कि सारी टीम के हौसले बुलंद हैं। अरविंद नौटियाल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ऑपरेशन लगातार जारी है, 41 जिंदगियां जो फंसी हुई हैं वो एक एक दिन गिन रही हैं, और जब ये माना जा रहा था कि कल रात तक ही ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, उसमें अड़चन आई, एक पहले सरिया आ गई और उसके बाद फिर से बाधा आई है। तो अब क्या कुछ अपडेट इस दौरान निकल कर सामने आ रहा, कितना वक्त लग सकता है, कोई जानकारी निकल कर आई है? आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से कल पूरी मीडिया में और पूरे अस्पताल से लेके और सिलक्यारा तक पूरी यही चर्चा थी कि आज रात तक उनका रेस्क्यू हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया था और पूरे एक रात बीत गया और आज दूसरी रात है, यानी हम कह सकते हैं कि 12वां दिन। तो आज एगास का जो त्यौहार है, सब ने यही सोचा था कि आज एगास का त्यौहार है, जो दीपावली होती है 11 दिन बाद मनाई जाती है, तो जो 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं वो आज दिवाली मनाएंगे। लेकिन जो टनल के अंदर जो कुछ खामियां रही है जिस कारण आज 41 जो श्रमिक थे वो नहीं आ पाए, बाहर नहीं आ पाए और उनका रेस्क्यू नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं ये जो एगास का जो कार्यक्रम है वो नहीं देख पाए। जिसको लेकर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनका भी CM आवास पर एगास का कार्यक्रम था जिनको उन्होंने स्थगित कर दिया है और यही मांतली में कैंप किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि जो चर्चाएं थी कि इनका रेस्क्यू करके इस अस्पताल में लाया जाएगा वो नहीं हो पाया, तो अब देखना है कि कल शाम तक या दिन तक किस तरह से उनका रेस्क्यू होता है, जो अगर मशीन है किस तरह से काम करती है। अब जो सिलक्यारा टनल में जो काम चल रहा है उसको लेकर ही अब आगे की रणनीति कुछ स्पष्ट हो पाएगी। साथ ही आपको बता दूं कि टनल के बाहर एक बोखनाथ नाग का जो मंदिर है
उसको लेकर भी काफी चर्चाएं थी कि बोक नाग जो मंदिर है उसको प्रसन्न करने की कोशिश की गई थी, और जो वहां पर उसकी जो एक डोली है वो डोली भी वहां पर पहुंची थी, जिसमें कि उत्तरकाशी के जो प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे, सीएम भी खुद मंदिर के आगे मत्था टेका कि सब कुछ सकुशल जो 41 श्रमिक है वो बाहर आए और कहीं ना कहीं अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो इसी को लेकर जो दिन भर जो चलता रहा, और अब हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो सरकार है, सीएम है, प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, ये आसपास के जो लोग हैं जो 41 श्रमिक है उनके परिजन हैं, कहीं ना कहीं अब देविया जो आस्था है उन पर भी उन काफी आस्था है कि कहीं ना कहीं जो 41 जो श्रमिक हैं वो बाहर आ जाए, अब उन्हीं के सहारे साथ साथ चल रहे हैं, जिसको लेकर साथ ही जो उत्तरकाशी के जो प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं वो आज दिन भर यहाँ पर अस्पताल का निरीक्षण किया और पूरे जो 41 बेड है उनको एक एक करके निरीक्षण किया, और कहा साथ ही ये भी कहा कि जब कल उनका रेस्क्यू अगर किया जाता है और रेस्क्यू होने के बाद अगर यहाँ पर उनको लाया जाता है तो जनता से अपील है कि वो यहाँ पर भीड़ ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य परीक्षण में उनको लाने ले जाने में कहीं दिक्कतें ना हो। जी बिल्कुल, तो ये लगातार ऑपरेशन जारी है और लोगों को दिक्कतें ना हो इसकी भी पूरी तैयारियां की गई हैं, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद हैं, पहले से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, और हम कह सकते हैं अभी अरविंद वक्त लग सकता है चूँकि अब बहुत सावधानी बरती जा रही है, बहुत कम दूरी रह गई है अब इस पाइप को वहाँ तक पहुँचाने में, और अगर अड़चन ना आई होती तो शायद ये जो वक्त लग रहा है ये नहीं लगता और अब तक जो 41 जिंदगियाँ फंसी हुई हैं वो बाहर आ जाती हैं। जी जिस तरह से हम कह सकते हैं कि 41 जो श्रमिक हैं उनके जो परिजन हैं वो कई लोगों के परिजन यहाँ पर भी आए हैं और वो भी यही आस लगाए बैठे हैं कि हम अस्पताल में ही उनको मिल लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आस्था है इंतजार में है कि कब वो यहाँ उनका वहाँ पर रेस्क्यू हो और यहाँ पर हम उनसे मुलाकात करें और उनको अपने साथ घर ले जाएं। तो अब देखना है कि ये रेस्क्यू कब तक होता है, उसी के आधार पर अब उनसे परिजनों की मुलाकात हो पाएगी, और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रेस्क्यू कब तक हो पाएगा। जी बिल्कुल, कितनी देर में अब ये जिंदगियां जो फंसी हुई हैं उनको निकाला जा सके ये देखने वाली बात होगी, सुरंग में ये सांसें फंसी हुई हैं और ऑपरेशन लगातार जारी है, चेहरे पर थकान है लेकिन उम्मीदों की मुस्कान जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई। बहुत धन्यवाद अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अंधेरी सुरंग से जिंदगी की किरण जल्द ही बाहर आएगी और ऑपरेशन ये पूरा होने वाला है। वहीं टनल हादसे पर एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, अड़चनों को दूर किया जा रहा है ऐसा एनडीएमए का कहना है, 4 से 5 मीटर घंटे के हिसाब से काम हो रहा है और अभी 17 से 20 मीटर तक बचा हो सकता है। तो आपको बता दें 6-6 मीटर के पाइप डाले जा रहे हैं ऐसा एनडीएमए का कहना है, ये ऑपरेशन एक लड़ाई की तरह है, सभी मजदूर टनल में सुरक्षित है ऐसा एनडीएमए ने बताया है। तो टनल हादसे पर एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अड़चनों को दूर किया जा रहा है ऐसा एनडीएमए का कहना है, आपको बता दें 4 से 5 मीटर घंटे के हिसाब से काम हो रहा है ऐसा एनडीएमए ने कहा है, अड़चनों को दूर किया जा रहा है, जो बाधाएं आई उनको खत्म किया जा रहा है और अब जल्दी 41 जिंदगियां जो हैं जो माना जा रहा था कि कल तक ही वो बाहर आ जाते लेकिन उसमें अब थोड़ा सा समय लग रहा है। आइसोलेशन एक चीज आइसोलेशन होती है जिससे मानसिक असर होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उसको भी दूर करने के लिए साइकोसोशल काउंसलर्स वहां लाए गए हैं और अब क्योंकि कम्युनिकेशन बन गया है प्रॉपर, पहले तो एक क्रूड कम्युनिकेशन मेगाफोन के जरिए और पाइप के जरिए था, अब तो लाइन के जरिए वो कम्युनिकेशन बन गया है और डायरेक्ट बात हो रही है वहां से, तो उसकी वजह से साइकोसोशल काउंसलर्स जो है उन्होंने उनसे बात भी की है वर्कर्स के साथ। ये भी वहां पर देखा गया है और चीज उनका मेडिकल चेकअप होगा और कोई सीरियस केसेस है तो उनको एयरलिफ्ट करके वहां पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के अपने एविएशन रिसोर्सेज हैं, इंडियन एयरफोर्स को रेक्यूलेशन दिया गया है, कंफर्म रेक्यूलेशन है कि वो जल्द से जल्द वहां पर आ सकते हैं हवाई जहाज लेकर हेलीकॉप्टर लेकर उनको ऋषिकेश के ऑयल एंड गैस इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा। बाकियों के लिए जहां तक मैं काउंट कर रहा हूं 41 एम्बुलेंस शायद वहां पर आ गई है, मतलब हर वर्कर के लिए एक एम्बुलेंस।
तो उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी खबर, डीजी एनडीआरएफ अतुल कर्णवाल का बयान, सभी मजदूर ठीक हैं, ऐसा अतुल का कहना है। मजदूरों को गर्म खाना दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये खबर है और सभी मजदूर सुरक्षित हैं ऐसा बताया गया है। डीजी एनडीआरएफ अतुल कर्णवाल का बयान सामने आया है और सभी मजदूर ठीक हैं, प्रॉपर मिल रहा है, अब तो गर्म खाना भी पहुंच रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको एक आशा दे रही हैं कि एक ऑपरेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा और वो जल्दी बाहर आ पाएंगे। मैं थोड़ा तीन तक गिन रहा हूं, क्योंकि उधर हम चाहेंगे पाइप थोड़ा आगे तक निकल जाए, क्योंकि कई बार मलबे की जगह अनस्टेबल है तो दोबारा बंद नहीं हो। हम दुआ करें, जो भी हम बिलीव करते हैं किसी शक्ति में, दुआ करें कि रात तक ये पूरा हो पाएगा। उत्तरकाशी टनल हादसे पर पल पल की अपडेट, टनल के अंदर पाइप डाला गया है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसकी सामने आई हैं, पाइप को काट कर रास्ता बनाया गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तरकाशी टनल हादसे पर न्यूज स्टेट पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, टनल के अंदर पाइप को डाला गया है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है, पाइप को काट कर एक रास्ता बनाया गया है। तो पिछले 12 दिनों में क्या हुआ ये आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 12 नवंबर को सुरंग ढही, 13 नवंबर को वहां से मिट्टी हटाई गई, ये तस्वीरें आप देखिए, हर एक दिन के हिसाब से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 13 नवंबर को वहां से मिट्टी हटाई गई, 14 नवंबर को रेस्क्यू का प्लान बनाया गया कि कैसे अब इसको अंजाम दिया जाए, कैसे रेस्क्यू किया जाए, उन जिंदगियों को बचाया जाए। 15 नवंबर को अमेरिकन ऑगर मशीन पहुंचती है और 16 नवंबर को पाइप की ड्रिलिंग की गई, पाइप डाला गया। 17 नवंबर को ड्रिलिंग के लिए सर्वे हुआ और 18 नवंबर को मशीन एयरलिफ्ट हुई है। 19 नवंबर को एनडीआरएफ ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया। 20 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां पहुंचते हैं। 21 नवंबर को मलबे के पार हुआ है पाइप और 22 नवंबर को मजदूरों की पहली झलक देखने को आई है। 23 नवंबर को बाहर आएंगे मजदूर। तो ये अब माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में, यानी कि 23 नवंबर आज है और कल ही ये मजदूर बाहर आ जाते, अगर वो सरिया रास्ते में नहीं आता तो अब जो है उसको हटा दिया गया, जो बाधाएं वो दूर की जा रही हैं और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में जो तमाम मजदूर हैं वो लंबे वक्त के बाद सामने आएंगे, उनको बाहर निकाला जाएगा। तो ये वो तस्वीरें, न्यूज स्टेट लगातार मौके पर डटा रहा, तस्वीरें आप तक पहुंचाता रहा, तमाम वो तस्वीरें जो पूरे देश को देखनी चाहिए थी, कैसे वो तमाम योद्धा जो हम इन दुर्गम रास्तों को हमारे लिए सुगम बनाते हैं वो कैसे मौत के मुंह में जाते हैं और उसके बाद सरकार की प्रतिबद्धता उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं सफल साबित हुई। सीएम धामी ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए पूजा की, टनल के बाहर बने मंदिर के सामने पूजा की, मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रार्थना भी की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए पूजा की है। उत्तरकाशी में जहां टनल से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं भगवान से भी प्रार्थना की जा रही है, लिहाजा बौखनाग देवता की डोली को सुरंग के पास बनाए गए मंदिर में स्थापित किया गया और पूजा अर्चना की गई। लोगों का मानना है कि सुरंग निर्माण के दौरान मंदिर को हटाया गया जिसके कारण भगवान नाराज हो गए और यह हादसा हो गया। टनल हादसे पर सरकार की नजर है, उत्तरकाशी में सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया, मंत्री वीके सिंह ने भी हालात की जानकारी ली है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया, ऐसा सीएम धामी का कहना है। तो टनल हादसे पर सरकार की नजर है, सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया है। तो दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीएम ने हालात का जायजा लिया है, मंत्री वीके सिंह ने भी पूरा हाल जाना है। उत्तरकाशी टनल हादसे पर सीएम की नजर, उत्तरकाशी में सीएम धामी ने मजदूरों से बातचीत की, वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों का हाल जाना है। तो टनल हादसे पर सरकार की नजर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत की है, वो बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे।
तो सीएम ने मजदूरों से बातचीत की है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें मजदूरों से उन्होंने बातचीत की है।